ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम इस समय कोनो तीर्थ के तौर में बहुत तेजी से विकसित हो रहा। लगातार श्रद्धालु के संख्या में इजाफा हो रहा है। यही बीच बता दें कि बागेश्वर धाम से लेके बड़ी खबर सामने आई है। ग्रामीणों के द्वारा बागेश्वर धाम के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान आरोप यह लगे हैं कि बागेश्वर धाम के द्वारा उनकर जमीन हड़पी जाती रहा। तो विदेश क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सबजरन का प्रणाम कहते शुरू कहते थे। बड़ी खबर से बता दें कि छतरपुर से यह मामला सामने आया है, जहां बागेश्वर धाम के ग्रामीणों के द्वारा कलेक्ट्रेट में हंगामा कई दिन का। ग्रामीणों के आरोप है कि बागेश्वर धाम में पार्किंग खातिर उनके घर में बुलडोजर चलाए के जमीन दोज की जाला है। एक महिला के द्वारा आरोप यह लगावा गया है कि घर तोड़े से रोके पर पुलिस के द्वारा उनकर बाल पकड़ के खींचा गया है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम स्थित है, जहां रोजाना भक्त लाखन के संख्या में दर्शन करे खातिर पहुंचे था। ग्रामीणन की आरोप है कि भक्तन के बढ़े वाली भीड़ के कारण यहां पार्किंग में परेशानी हो रही और यही कारण प्रशासन के द्वारा ग्रामीणन के घरे में बुलडोजर चलवाए दीन का है और उनका बेघर कह दीन का है। रविवार का बता दी कि प्रशासन के लोगन के द्वारा घरे में बुलडोजर चलवावा गया, जेके द्वारा नाराज ग्रामीणन के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंच के ज्ञापन दीन गा, जेके बाद छत्रसाल चौराहा में धरना प्रदर्शन कह के चक्का जाम कीनगा। बहुत समय तक यहाँ यातायात व्यवस्था जून रही धराशाई हो दिखान, जेके जानकारी लगता है टीआई धन सिंह नलवाया और सीएसपी लोकेंद्र सिंह चौराहा पहुंचे, जेके बाद लोगन का समझाइश बुझाइश दिन गया और बड़े जतन के बाद ग्रामीणन का चौराहा से हटा बागा। वह प्रदर्शन करने वाली एक महिला के द्वारा यह बतावा गया है कि पिछले 2-3 साल से परेशान हुई कि हाँ आए दिन अब उनके घरन का गिरावा जा रहा है। भक्तन का रुके खातिर जगह चाहिए, गाड़ी खातिर जगह चाहिए और यही खातिर जो है अब ग्रामीणन के घरे में प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलवावा जा रहा है। महिला के द्वारा एक पुलिसकर्मी के ऊपर घलाए आरोप लगाए गए हैं। उनका महिला के आरोप है कि जब वो विरोध करे खातिर खड़ी तो उनका बाल जो है पुलिसकर्मी के द्वारा पकड़ के खींचा गया है। वह डिप्टी कलेक्टर पीयूष भट्ट के कहा है कि गढ़ा पंचायत के ग्रामीणन के द्वारा ज्ञापन दीन गया है। उनका कहा है कि उनके घरन का तोड़ा जा रहा है और इसे ऊपर रोक लगाई जाए। उनका ज्ञापन मिल गया है, जांच करवाई जिसके बाद कार्रवाई की जाए। बताए दी कि ये ग्रामीणन के द्वारा बागेश्वर धाम के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिना कोनो नोटिस के जानकारी के जो है उनका जो घर है जमीन दोस्त की जा रहा है और इसने वह ग्रामीणन के सौहे राह के समस्या उत्पन्न हो रहा ही। खासी कड़कड़ा ठंड है और एक कारण अगर घर उनका ठंडे में गिराए जाता तो आखिर ग्रामीण जही तो जही कहा। बता दें कि बागेश्वर धाम जो है लगातार मध्य प्रदेश में चर्चा के विषय है और सैकड़न के लाखन के संख्या में बता दी कि एक भक्त देश के कोने कोने में भक्त मौजूद हैं। लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, वही कारण यहाँ दर्शन खातिर लाखन के संख्या में श्रद्धालु आए दिन पहुंचा था और यही कारण यहाँ जो है व्यवस्था चरमरा थी वे और उनका असर जो है ग्रामीण को पर देखे का मिल रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह हुई कि ग्रामीण के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं ओकर कतने आरोप में सच्चाई है और एक समस्या के समाधान को मेर से खींच जाते हैं। दे इजाजत रखिए आपको और अपने परिवार के बहुत ख्याल प्रणाम। हमको मारा एसडीएम साहब ने, मारा मारने के बाद थाने ले गए, थाने ले जाने के बाद हमारी घरवाली को मारा, घरवाली को मारने के बाद हमने मकान पूरा तोड़ के और पूरा करा दिया। हमारे बच्चे रोते रह गए और कोई ना ताला लेकर खोलने दिया, ना कुछ हमको आदेश दिया, ना कुछ कहा गया। आते ही मशीन लाए और सीधे तोड़ने लगे। महाराज जी यहाँ पे है नहीं, किसको सुना? तो हम तो सीधे कलेक्टर साहब के यहाँ आए। तो यहाँ पे सब क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? ये सर वजह की ये तो राजनगर के पास आया, अभी ये जानकारी नहीं है किस प्रकार से हो रहा है। बाकी ये है बोलते हैं कि पार्किंग के लिए जगह चाहिए। कौन कहता है? मतलब भाई एसडीएम तहसीलदार साहब करवा रहा है, अभी ये जानकारी नहीं है कि कौन करवा रहा है इसकी। इस बात की जाने बोलते ही नहीं है तो हम क्या बताएं किस कौन मान लो करवा रहा है। प्रशासन सीधे आते ही और ना कुछ बोलती है, ना नोटिस दिया जा रहा है। ऐसे मतलब 2 महीना पहले 8-10 मकान तोड़े गए थे, अभी 4 मकान तोड़े गए, अब इसके बाद बोलते हैं मकान पूरा तोड़ा जाएगा। ये साथ के दो कोई भी मकान नहीं बचाया जाएगा, इनका भी पूरा है। ये ग्राम पंचायत गढ़ा द्वारा इस आशय का एक आवेदन दिया गया है
ग्राम पंचायत गढ़ा स्थित खसा नंबर 664/2/1 कुल लगभग 82 हेक्टेयर में से 10 हेक्टेयर को इन्होंने आबादी घोषित करने के लिए अभी एक प्रस्ताव पारित किया है और आबादी भूमि में बने मकानों को, दो व्यक्ति के मकानों को तोड़ा गया है। उस संबंध में ज्ञापन दिया है कि इस तरह की कार्यवाही ना की जाए, आबादी घोषित कर। उन्होंने आरोप लगाए हैं बिना कोई सूचना बिना कोई नोटिस के मकान तोड़े गए हैं, इसकी जांच कराई जाए। जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि गरीबों को मकान, जहां जो कागज है उसको मकान दिए जाएंगे, उसके बावजूद भी प्रशासन तोड़ रहा है, इसकी जांच कराई जाएगी। उनका आवेदन आज प्राप्त हुआ है।